सब्सक्राइब करें इंडियन हॉर्सेस चैनल को, बेल बटन का आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक नए घोड़े की ट्रेनिंग जो आपके डिमांड पे उपलब्ध कराया गया है। इस घोड़े के मालिक हैं शेषनाथ यादव कपूरी से, जो बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपको मालूम होगा कि कपूरी में एक फेमस रेस भी हमेशा शेषनाथ यादव के द्वारा आयोजित कराई जाती है। तो उन्हीं के घोड़े की स्पेशल ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, जिस पे राइडर हैं राइडर पोंगा यादव उर्फ ब्रिजा शंकर यादव। तो इस घोड़े की चाल रफ्तार के बारे में आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घोड़ा कैसा लग रहा है। घोड़ा पूरी तरह से सिंधी ब्रीड का है, बल्होत्रा से लाया हुआ बच्चा है। तो इस घोड़े की रफ्तार, स्पीड, चाल, सभी चीज़ों के बारे में आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको इस घोड़े की चाल, रूप, रंग कैसा लगा। ये घोड़ा आप जवानी की तरफ अग्रसर है और उम्मीद है कि इस बार जब ददरी का मेला लगेगा तो वहाँ पे उस फील्ड में भी ये घोड़ा अपना जलवा इस बार ज़रूर दिखलाएगा। काफ़ी सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो कम मिल रही है। तो देखिए, वीडियो इस समय आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि एक दिन गैप करके वीडियो आपको अवश्य मिलेगी और कुछ ज़रूरी वीडियो भी हैं जो आपको मिलेंगी। कई लोगों को बेबी हॉर्स ट्रेनिंग के बारे में भी जानना है और उनकी भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आगे आने वाले वीडियो में मैं वैसी व्यवस्था कर रहा हूँ कि वैसी वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाए आपके लिए और वो वीडियो भी आपको तुरंत मिलने वाली हैं। और रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है कि जिस प्रकार आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसी तरह आप हमारे नए indianhorses.blogspot.com को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको हॉर्सेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ डेली अपडेट होती रहेंगी। वीडियो के नीचे मैं अपने ब्लॉग का लिंक ज़रूर दे दूँगा, जहाँ से आप डेली एक नए ब्लॉग के बारे में पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको बता दें कि ये घोड़ा ज़्यादा दिनों से बैठा हुआ था, इसीलिए आगे आप अभी आवाज़ भी सुनेंगे, जो अभी घोड़ा सांस ज़्यादा तेज ले रहा है। तो अभी उम्मीद है कि जब इस घोड़े की लगातार प्रैक्टिस जारी रहेगी तो अभी इसकी स्पीड में और इजाफा देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है, क्या राय है इस घोड़े के बारे में, मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। और राइडर पोंगा यादव की आप विशेषता जानते ही हैं, उनके बारे में भी हमें ज़रूर लिखिए।